हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अलर्ट क्लासेस. दिस इज लेक्चर 2 ऑफ ग्रिग्नर रिएजेंट. ओके, लेट्स बिगिन. जो प्रीवियस रिएक्शन थी उसमें जो ये एसिडिक हाइड्रोजन था, यहाँ पर जो एसिडिक हाइड्रोजन थे ये सब, ठीक है. तो ये जो जेड ग्रुप है, जेड ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं? वो NH2 हो सकते हैं हमारे, OH हो सकते हैं, जिनका एग्जाम्पल मैंने आपको पहले दिया, ठीक है. SH हो सकते हैं, COOH एसिडिक ग्रुप हो सकता है, SO3H हो सकता है, ठीक है. तो ये जो Z है वो ये सब हो सकते हैं, ठीक है. कार्बन से अटैच्ड Z है, ये ग्रुप NH2OH, SH, COOH, HSH, SO3, ये सारे ग्रुप्स हो सकते हैं, ठीक है. यहाँ पर ये X हैलाइड है और ये मैग्नीशियम एंड ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जो रिएक्शन कर रहा है उसमें GR का फॉर्मेशन नहीं होगा. तो यहाँ पर नो GR फॉर्मेशन इज ऑब्जर्व्ड. ओके, तो ये रिएक्शन हमारी इस तरह कंप्लीट होती है. और जो जेड है वो ये सब हो सकते हैं, ठीक है. कोई भी किसी भी तरह की पॉसिबिलिटी होगी, कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको सॉल्व हो जाएगा. इसमें से कोई भी ग्रुप लगा के दे दे और आपसे पूछे GR का फॉर्मेशन होगा या नहीं, तो यहाँ पर नो GR फॉर्मेशन ऑब्जर्व्ड है, ठीक है. ऑब्जर्व नहीं होगा GR का फॉर्मेशन. ओके, अब हम लोग सेकेंड पॉइंट देखते हैं. इसमें इट्स इम्पॉसिबल टू फॉर्म अ मोनो GR बाई यूजिंग डाई और ट्राई हैलाइड. तो मोनो GR का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हम लोग डाई और ट्राई हैलाइड लेकर, ठीक है. ये हमारा डाई हैलाइड है, ये क्लोरीन, और यहाँ पर क्लोरीन दो जगह अटैच्ड है, तो ये हमारा डाई हैलाइड है. इसमें मैग्नीशियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाई हमने. ये सबस्ट्रेट है हमारा, डाई हैलाइड है ये हमारा, ये जो है वो डाई हैलाइड है. ओके, तो यहाँ पर मैग्नीशियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जो हमने रिएक्शन करवाई, तो यहाँ पर जो Cl है उधर MgCl ऐड हो गए, तो ये हमारा डाई GR का फॉर्मेशन हो रहा है. यहाँ पर मोनो GR का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, ठीक है. अगर एक एक ये वाला ग्रुप अगर एक ऐड होता है, MgCl अगर एक ऐड होता वो हमारा मोनो GR होता है, लेकिन यहाँ पर डाई GR है. तो यही वाली बात यहाँ बताई गई है कि मोनो GR का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हम डाई और ट्राई हैलाइड्स लेकर. ओके, तो यहाँ पर ये जो है वो हमारा डाई GR का फॉर्मेशन हो रहा है. अगर हमने मैग्नीशियम एक्सेस में लिया, तो अगर हम मैग्नीशियम का एक इक्विवेलेंट लें, ठीक है, एक इक्विवेलेंट लेंगे, तो हमारा जो फॉर्मेशन होगा यहाँ पर जो Cl है वहाँ पर मैग्नीशियम अटैच्ड हो जाएगा, और ये जो Cl है यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज जो है वो इधर आएगा, ठीक है, वो इधर आएगा, और यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, क्योंकि जो हेलोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर है. तो यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ये अपना पूरा इलेक्ट्रॉन का जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अपनी तरफ ले गया क्लोरीन. तो जो हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ वो ये हुआ, एल्कीन का हमारा फॉर्मेशन हो रहा है. ओके, ये हमारा इथीन है, इसका फॉर्मेशन हो रहा है, और MgCl2 हमें बाय प्रोडक्ट मिल रहा है. ओके, तो इस रिएक्शन में हमें ये मिल रहा है, ये हमारा डाई हैलाइड है. ट्राई हैलाइड का भी हम लोग यूज़ देख सकते हैं. हम लोग ये वाला एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पर मैग्नीशियम हमारा एक्सेस में, और यहाँ पर जो मैग्नीशियम ड्राई ईथर जो है ये वो हमारा 1 इक्विवेलेंट है, मतलब मिनिमम अमाउंट में है यहाँ पर एक्सेस में. तो ये जो हमारा सबस्ट्रेट है इसका क्या बनेगा, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर भी CH2 है हमारे पास CH2, और यहाँ पर जो है वो मैग्नीशियम और क्लोराइड है यहाँ पर, ठीक है. ये बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो इक्विवेलेंट है वो मोर है, एक्सेस में है, ठीक है. तो ये प्रोडक्ट बनेगा हमारा. और जब हम लोग मिनिमम अमाउंट या फिर 1 इक्विवेलेंट देखेंगे, यहाँ पर हम ये 1 इक्विवेलेंट है, यहाँ पर मैग्नीशियम एंड ईथर है, तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट का वो ऐसे होगा. ये हमारा CH2 है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH2 है. जो हमारा मैग्नीशियम है वो इन दोनों क्लोरीन में से किसी पर भी ऐड कर सकते हैं हम, ठीक है. चाहे यहाँ ऐड कर सकते हैं, चाहे यहाँ ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ सेम है, सिमेट्रिसिटी है यहाँ पर. तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम को हमने यहाँ ऐड कर दिया, और ये हमारा क्लोराइड है, ठीक है. यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, मैग्नीशियम जो है वो हमारी पॉजिटिव मेटल है, और यहाँ पर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ गया. अब जो ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ पर अटैक, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, और हेलोजन जो है वो हमारा नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस्ड कर रहा है, ठीक है. तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो अट्रैक्शन होगा, कंबाइन होकर साइक्लाइजेशन कर लेगा, और यहाँ से हेलोजन बाहर आ जाएगा, ठीक है. क्लोरीन जो है वो बाहर आ जाएगी, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, ये साइक्लाइजेशन होकर साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा, ये साइक्लोप्रोपेन है,
साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 1, 2, 3, तो साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। यहाँ पर ये मैग्नीशियम क्लोराइड है, यहाँ पर क्लोरीन आउट हो जाएगी, यहाँ पर मैग्नीशियम MgCl निकल जाएगा, तो प्लस MgCl2 बाई प्रोडक्ट के तरह मिल जाएगा फॉर्म में, ओके। तो यहाँ पर ये रिएक्शन हुई, ये पूरा एग्जांपल है ये हमारा, इस तरह साइक्लाइजेशन हो रहा है और साइक्लोप्रोपेन मिल रहा है हमें यहाँ पर, और यहाँ पर हमें जो ये है वो हमारा मोनो जी आर नहीं है, ये हमारा डाई जी आर है, ठीक है, क्योंकि दो एम जी के मोल यहाँ पर अटैच्ड हैं, तो ये हमारा क्या है, डाई जी आर। तो यही वाली बात हमें बताई थी कि मोनो जी आर का हम फॉर्मेशन नहीं कर सकते डाई एंड ट्राई हैलाइड से, ये हमारे डाई हैलाइड से और ट्राई हैलाइड से हम मोनो जी आर का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, हम डाई जी आर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम 1 इक्विवेलेंट लेंगे तो साइक्लाइजेशन हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन जो कि हमारा एल्केन है इसका फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, यहाँ पर जी आर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ क्लियर हो गया पॉइंट। ये हमारे पास क्वेश्चन है जो हमने अभी जो प्रिपरेशन मेथड देखा उसके ग्रिनर रिएजेंट के ऊपर, तो ये हमारे सबस्ट्रेट दिए गए हैं, ये 1, 2, 3 क्वेश्चन है हमारे, तो क्या क्या प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है, क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखना। और इसमें एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट भी बन सकता है, तो किस तरह प्रोडक्ट बनेगा, तो आप एक बार ठीक से पढ़ लीजिए, ठीक है, देख लीजिए सबस्ट्रेट कौन कौन से हैं। वह यहाँ पर मैग्नीशियम 1 इक्विवेलेंट के साथ दिया है, ड्राई ईथर है ये हमारा, ठीक है, और यहाँ पर भी 1 इक्विवेलेंट है, यहाँ भी 1 इक्विवेलेंट है, ओके, तो आप लोग देख लीजिए। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें मैग्नीशियम का 1 इक्विवेलेंट दिया है, ठीक है, मैग्नीशियम जो है 1 इक्विवेलेंट है, तो जो मैग्नीशियम है यहाँ पर क्लोरीन भी है और ब्रोमीन भी है, तो मैग्नीशियम किसके साथ अटैच करेगा, ठीक है, क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ, किसके साथ अटैच्ड होगा ये मैग्नीशियम, तो ये जो मैग्नीशियम है हमेशा बड़े वाले हैलोजन के साथ अटैच्ड होगा, ठीक है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन का साइज़ जो है वो बिग है, तो इसके साथ अटैच्ड होगा, जो मैग्नीशियम है वो इसके साथ अटैच्ड होगा, ओके। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, यहाँ पर क्लोरीन एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर एम जी और उसके साथ ब्रोमीन, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर जो कार्बन है उसके पास नेगेटिव चार्ज है, ये जो कार्बन है यहाँ पर, अब जो ये कार्बन है वो यहाँ पर जाएगा, ठीक है, इस तरह जाएगा और क्लोरीन को आउट कर देगा, क्लोरीन को लीव कर देगा, बाहर निकाल देगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, स्टेबल प्रोडक्ट जो होगा वो ये होगा, ये जो है यहाँ पर बॉन्ड आ जाएगा और क्लोरीन बाहर निकल जाएगी, तो ये जो प्रोडक्ट है वो ये बनेगा MgCl2, ठीक है, इसका फॉर्मेशन होगा इस फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या होगा, इसमें भी मैग्नीशियम का 1 इक्विवेलेंट दिए गए और ड्राई ईथर दिया गया है, ठीक है, तो इसमें क्या फॉर्मेशन होगा, जो यहाँ पर भी क्लोरीन है यहाँ पर भी क्लोरीन है, दोनों तरफ क्लोरीन है, तो कहीं पर भी अटैक करवा सकते हैं हम मैग्नीशियम का, ठीक है, एक तरफ अटैच हो जाएगी मैग्नीशियम, तो हमने इस तरफ अटैच्ड करा दिया, ये हमारा मैग्नीशियम है और यहाँ पर जो है ये क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन है, ये CH2 है, ये CH2 है एंड फिर CH2 है हमारा, फिर CH2 है, 1, 2, 3, 4, 5, फिर उसके बाद क्लोरीन है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये क्लोरीन है हमारा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, तो साइक्लाइजेशन के ज़रिए ये ऐसे यहाँ से अटैच्ड हो जाएगी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर जो क्लोरीन है उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो जब ये साइक्लाइजेशन हुआ ये नेगेटिव चार्ज ने यहाँ अटैक किया तो ये जो क्लोरीन वो लीव हो जाएगी, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये होगा, ये जो साइक्लाइजेशन हो जाएगा, कार्बन कितने हैं यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 मेंबर रिंग मिल जाएगी हमें एल्केन की, 1, 2, 3, 4, 5, ये बन जाएगा साइक्लोपेंटेन, ठीक है, और उसके अलावा हमें मिलेगा MgCl2 बाय प्रोडक्ट, ये हमारा साइक्लोपेंटेन है, ये हमें मिलेगा, साइक्लाइजेशन हो गया, ठीक है। अब इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें जो है उसमें भी मैग्नीशियम 1 इक्विवेलेंट है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, ये ब्रोमीन है, कार्बन से अटैच्ड ब्रोमीन है, यहाँ पर भी कार्बन से अटैच्ड क्लोरीन है, ठीक है, तो एक क्लोरीन है एक ब्रोमीन है,
और बड़े वाले के साथ अटैच होगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो अटैचमेंट होगा वो ब्रोमीन के साथ होगा, ठीक है, बिग वाले के साथ। तो ब्रोमीन जो है वो हमारा बड़ा है, यहाँ पर ब्रोमीन हमारा बड़ा है, तो इसका साइज़ जो है वो बड़ा है, तो मैग्नीशियम यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा। तो मैग्नीशियम जब यहाँ पर अटैच होगा तो ब्रोमीन है यहाँ पर मैग्नीशियम है, फिर उसके बाद कितने कार्बन है, यहाँ पर CH2 है, फिर आपका CH है डबल बॉन्ड CH CH2 फिर Cl, फिर उसके बाद यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा मैग्नीशियम के पास क्योंकि ये मेटल है, और यहाँ पर कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये इसकी जो पॉसिबिलिटी है, दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, या फिर तो ये साइक्लाइजेशन कर ले, ठीक है, ये साइक्लाइजेशन कर ले इस वाले कार्बन के साथ, ठीक है, और जो क्लोरीन है उसको लीव कर दे, क्लोरीन को बाहर निकाल दे, तो जो हमारा ए प्रोडक्ट बनेगा वो ये होगा, ये हमारा ये इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, तो हमारे ए प्रोडक्ट ये बनेगा। या फिर इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो ये भी है, पॉसिबिलिटी जो है वो ये भी हो सकती है, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव आयन है ये, या फिर तो यहाँ शिफ्ट हो, ठीक है, यहाँ शिफ्ट हो, ये वाला यहाँ शिफ्ट हो, ठीक है, तो हमारा जो बी प्रोडक्ट मिलेगा हमें वो ये मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, फिर आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है, इस वाले प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है क्योंकि नेगेटिव आयन जो है वो डिस्पर्स्ड हुआ, यहाँ पर आया, फिर ये वाला जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड वो इधर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पर जो कार्बन है वो 4 है, तो जो इसका फॉर्मेशन होगा डाइन का, ठीक है, ये हमारा डाइन है, इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो अब इस क्वेश्चन में ये दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है, या फिर तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा या फिर ये प्रोडक्ट बन जाएगा, इन दोनों में से दोनों ही प्रोडक्ट बनेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कौन सा मेजर होगा, इन दोनों में से मेजर कौन सा होगा और माइनर कौन सा होगा। तो ये जो है, ये वाला प्रोडक्ट, इसमें स्ट्रेन है, हाईली स्ट्रेन प्रोडक्ट है ये हमारा, हाईली स्ट्रेन है, हाईली स्ट्रेन कैसे है ये, क्योंकि ये जो कार्बन है वो sp2 कार्बन है जो 120 डिग्री होना चाहिए, लेकिन है ये 90 डिग्री, ये जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है और 30 डिग्री का स्ट्रेन है, तो ये हाईली स्ट्रेन होने की वजह से माइनर बनेगा, ठीक है, ये लेस स्टेबल है, ये हमारा लेस स्टेबल है, इसीलिए ये हमारा माइनर है, ओके, ये वाला जो ए प्रोडक्ट है। और बी जो है, डाइन्स जो है हमारे, ये हमारे डाइन्स होते हैं, इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट है, ठीक है, ये हमारा पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा, फिर पाई, तो रेजोनेंस की वजह से ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये हमारा रेजोनेंस शो कर रहा है, रेजोनेंस, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर ये मेजर बनेगा और ये मोर स्टेबल होगा, तो जो मोर स्टेबल होता है तो वो मेजर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में दो पॉसिबिलिटी है, मेजर और माइनर प्रोडक्ट बनने की, या फिर ये प्रोडक्ट बन सकता है या फिर ये प्रोडक्ट बन सकता है, जो ज़्यादा स्टेबल होगा जिसमें रेजोनेंस है, जो डाइन है, ठीक है, ये डाइन से हमारी, तो ये मोर स्टेबल है और मेजर बन रहा है यहाँ पर, और जो ये हमारा हाईली स्ट्रैंड कंपाउंड है, ए वाला कंपाउंड, क्योंकि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो 120 डिग्री उसमें एंगल होता है, लेकिन इसमें 90 डिग्री एंगल है, तो इसमें 30 डिग्री का स्ट्रेन है, इसलिए ये माइनर बन रहा है, लेस स्टेबल है। और जो हमारे ये वाले जो फर्स्ट एंड सेकंड जो है उसमें सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है हमको, ठीक है, साइक्लाइजेशन हो रहा है और इसमें नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स्ड होकर डबल बॉन्ड को फॉर्मेशन कर रहा है, तो इस तरह ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ओके, ठीक है। अब हम लोग रेनर रिएजेंट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो ये जो हमारी रिएक्शन है एल्किल हैलाइड के प्रेजेंस में मैग्नीशियम ड्राई ईथर है, ये हमारा तो Gr का फॉर्मेशन हो गया, RmgX, RmgX जो है वो हम इस तरह लिखने की आदत डाल लेंगे, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है, या फिर आप इस पर लॉन पेयर भी लगा सकते हैं, तो ये इस तरह हम आदत डाल लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा जो Gr है उसमें कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जनरेशन होता है, ये अच्छा सोर्स है कार्बन आयन का। तो रिएक्टिविटी और रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ Gr क्या है,
ये हमारा लीविंग ग्रुप है एल्किल हैलाइड में, ये लीविंग ग्रुप है। एक्स एक्स जो है वो हमारा फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है। एक्स हमारा जो हेलोजन्स है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये हैं। तो हमारे जो लीविंग एबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा ये लीव करेगा उतनी जल्दी कार्बन कार्बन आयन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जितनी जल्दी ये लीव करेगा उतनी अच्छी हमारी रिएक्टिविटी होगी इस रिएक्शन की। तो ये जो हमारा लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप की एबिलिटी जो होती है वो ये होती है, आई, फिर उसके बाद वी आर होता है, फिर क्लोरीन, फिर आपका फ्लोरीन होता है। तो ये लीविंग एबिलिटी का ऑर्डर है। आई की लीविंग एबिलिटी सबसे ज़्यादा अच्छी है, साइज बड़ा है, लीविंग एबिलिटी मोर है। तो ये लीविंग एबिलिटी है ऑर्डर, लीविंग एबिलिटी ऑर्डर। ओके, तो यहाँ पर जो है वो आर आई की सबसे अच्छी लिविंग एबिलिटी है, रिएक्टिविटी आर आई की सबसे अच्छी है, फिर आर बी आर है, फिर आर सी एल है, फिर आर एफ है, ठीक है। तो जी आर का जो फॉर्मेशन होगा वो रिएक्टिविटी पर डिपेंड करेगा। तो आर आई की सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी है, फिर आर बी आर की, फिर आर सी एल की, आर एफ की, ताकि ये जो आयोडीन है उसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें रिएक्टिविटी इसकी ज़्यादा होगी। और जो आर एक्स है इसमें कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, कार्बन आयन का जनरेशन होता है आर एक्स में, क्योंकि ये लीव कर जाता है एक्स नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर टू इलेक्ट्रॉन आते हैं तो यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज बनता है, ठीक है। टू इलेक्ट्रॉन यहाँ आए तो यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज बना। तो जो कार्बन आयन में जो आर है वो 1 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री, ठीक है। तो कार्बन आयन की जो स्टेबिलिटी है वो 1 डिग्री की ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद 2 डिग्री की, फिर 3 डिग्री की, ठीक है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर भी यही होगा। जो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी है, आगे वाला जो टॉपिक होगा वो यही होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, ठीक है। तो जी आर में आपको ये वाला जो टॉपिक है वो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, कार्बन आयन का, कार्बन आयन किस तरह की रिएक्शन करता है, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके। तो वो हम मैं आपको नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें बताऊँगी, ठीक है। तो अभी आप ये याद रखिए, 1 डिग्री में सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। और जो विनाइलिक हैलाइड होता है वो CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर X, ठीक है। X पे लॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं, ये जो लॉन पेयर हैं ये इस तरह है, ठीक है, 3 लॉन पेयर हैं। यहाँ पर जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से डायरेक्टली अटैच हैलोजन जो होती है वो विनाइलिक हैलाइड कहलाती है, ठीक है। तो विनाइलिक हैलाइड्स हैं ये हमारा, ये जो है ये sp2 से अटैच डायरेक्टली हैलोजन विनाइलिक हैलाइड कहलाएगी। ऐसी हमारे पास ये बेंजीन है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये डबल बॉन्ड है, sp2 है, यहाँ पर एक्स है, ठीक है। ये sp2 है, इससे जो डायरेक्टली अटैच्ड हैलोजन है ये वाली, ये जो है ये भी इसी तरह की शो हो रही है, sp2 है, ये भी sp2 कार्बन है, यहाँ पर इससे डायरेक्टली अटैच्ड हैलोजन है, इससे भी डायरेक्टली अटैच्ड हैलोजन है, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन हम देखते हैं विनाइलिक हैलाइड की, ठीक है। तो विनाइलिक हैलाइड में जो रिएक्शन होती है CH2 डबल बॉन्ड CHX की जो रिएक्शन है, ये हमारा एल्किल हैलाइड है। तो इसमें जो रिएक्शन है उसमें जो GR है वो फॉर्म नहीं होता, ठीक है। तो GR का फॉर्मेशन नहीं होता उसमें, नो GR फॉर्मेशन। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, पार्शियली डबल बॉन्ड, इसमें रेजोनेंस होगा, ठीक है, इस तरह रेजोनेंस हो जाएगा इस पर। तो यहाँ पर जो पार्शियली डबल बॉन्ड आएगा, करेक्टर आ जाएगा, डबल बॉन्ड करेक्टर रेजोनेंस के ज़रिए, तो लीविंग एबिलिटी को वो लेस कर देता है। तो डबल बॉन्ड करेक्टर जो है आपका, डबल बॉन्ड करेक्टर करेक्टर जो है वो ये होता है DBC, शॉर्ट में इसको DBC कहेंगे। ये लीविंग एबिलिटी को कम कर देता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लीविंग एबिलिटी के, लीविंग एबिलिटी की, ठीक है। तो जो हेलोजन है यहाँ से ये लीव नहीं करेगा, यहाँ पर जो हेलोजन है ये लीव नहीं करेगा, क्योंकि उसके उसके पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो है उतनी एनर्जी हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे ताकि डबल बॉन्ड को ब्रेक करें और हेलोजन को यहाँ से निकाल दें, इतनी एनर्जी हम प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो ये हेलोजन निकल नहीं पाएगा, ये हेलोजन नहीं निकल पाएगा तो GR का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, कोई GR बन ही नहीं पाएगा। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो रेजोनेंस के ज़रिए यहाँ पर आया है तो वो लीविंग एबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, लीव नहीं कर पाता यहाँ पर हैलोजन, तो GR का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। ये जो रिएक्शन होगी वो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में और मैग्नीशियम में, ठीक है,
इसकी प्रेजेंस में होंगी। ये हिसाब यहाँ पर है, ये बेंजीन है पूरी, ये जो है बेंजीन है यहाँ पर, ये तो ये जो बेंजीन है इस पर भी sp2 कार्बन है और यहाँ पर हेलोजन है, ठीक है। यहाँ पर लॉन पेयर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर भी जो है वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो DBC की वजह से लिविंग एबिलिटी लेस हो जाती है यहाँ पर भी, तो ये भी ड्राई ईथर की, मैग्नीशियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं कर पाता और नो GR का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, नो GR का फॉर्मेशन, GR का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, नो GR, ठीक है। तो अब जो ड्राई ईथर है हमारा, जो ड्राई ईथर है वो क्या होगा, अगर वो CH3CO होगा, CH3O होगा हमारे पास जो ड्राई ईथर है वो, अगर ये होगा, ठीक है, अगर हम इस रिएक्शन को कराने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करें और डबल बॉन्ड को ब्रेक करना चाहें, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और डबल बॉन्ड को ब्रेक करना चाहेंगे, तो जो ड्राई ईथर अगर हमारा CH3 होगा तो ये उड़ जाएगा, वेपराइज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब वॉलेटाइल होता है, वॉलेटाइल नेचर का होता है, ये हमारा वेपराइज्ड हो जाएगा, वेपराइज्ड होकर ये ना ये उड़ जाएगा हीट करने पर, तो जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो शो हो रहा है तो इस बॉन्ड को ब्रेक हो जाएगा, तो ड्राई ईथर की एब्सेंस में भी ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो जो हमारा रिएक्शन होगी तो हम ये वाले ईथर यूज़ करेंगे, इस वाले ईथर को हम जनरली यूज़ नहीं करते, इस ईथर को हम यूज़ करेंगे जो THF कहलाता है हमारा, ये जो टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, इसको हम यूज़ करेंगे, ये हमारा वॉलेटाइल नहीं है, ठीक है। हीट करेंगे तो ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और हमारा हेलोजन लीव करेगा और ये वॉलेटाइल नेचर का नहीं है, ठीक है। तो ये हम इसको यूज़ करेंगे, ये हमारा जो टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन है इस रिएक्शन में हम इसे यूज़ करके इन दोनों रिएक्शन को कर सकते हैं, ठीक है, आगे प्रोसीड कर सकते हैं इस रिएक्शन को, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन है, ये वाला जो ईथर है ये वाला हम यूज़ करेंगे और ये जो हमारे ईथर है इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। पास विनाइलिक हैलाइड है, ये मैग्नीशियम है, ये हमारे पास ईथर है, ठीक है, डाई मिथाइल ईथर है ये हमारे पास, ठीक है। ये इसमें नो GR का फॉर्मेशन हो रहा है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये जो ईथर है अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ना चाहेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, तो ये जो ईथर है वो वॉलेटाइल है, ये वेपराइज्ड हो जाएगा, उड़ जाएगा, तो इसमें GR का फॉर्मेशन नहीं होगा, GR नहीं बनेगा, ठीक है। अब हम लोगों ने मैग्नीशियम लिया, THF लिया और यही वाला कंपाउंड लिया, तो हमारे रिएक्शन करके GR का फॉर्मेशन हो गया, ये हमारा GR बन गया, ठीक है, हीट करने पर, ठीक है, हमने हीट भी किया इसे तो हमारा GR का फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि THF जो है वो वॉलेटाइल नेचर का नहीं है और इसने ये वॉलेटाइल नेचर का नहीं है तो ये एवपोराइज्ड नहीं हुआ, ठीक है, तो इसने GR का फॉर्मेशन कर दिया। और अगर क्वेश्चन में हमें मैग्नीशियम और ईथर दे दिया गया है, यहाँ पर ईथर दे दिए गए और मेंशन नहीं किया कि ये CH3 या THF है, ये मेंशन नहीं किया, तो हमें इस ईथर को THF लेके सॉल्व करना है, THF देखना है हमें इसे, ठीक है, THF मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ये हमारा GR का फॉर्मेशन हो जाएगा, GR हमें बना देना है, ठीक है। तो ये वाली बात हमें याद रखनी है, अगर ईथर दिया है सिंपली तो हमें THF लेना है, अगर CH3 और THF दिया है तो हमें CH3 में नो GR का फॉर्मेशन करना है, GR नहीं बनेगा इसमें हमारा, और THF अगर दिया है तो GR का प्रोडक्शन होगा, GR का जनरेशन होगा, ठीक है। तो इसी तरह ये हमारा विनाइलिक हैलाइड है, ठीक है, ये जो है ये हमारा फिनाइल रिंग है, ठीक है, तो इसमें जो है इसमें भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहाँ पर हेलोजन ऐड है, तो यहाँ पर भी ये सिचुएशन बनेगी, अगर हमें मैग्नीशियम दिया, ये लॉन पेयर है, यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है, अगर हमें मैग्नीशियम दिया और डाई मिथाइल ईथर दिया तो ये वॉलेटाइल नेचर का, ये उड़ जाएगा हीट करने पर, तो हमारा GR का फॉर्मेशन नहीं होगा, नो GR, ठीक है, GR हमें मिलेगा नहीं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अगर हम इसी कंपाउंड को इसके साथ रिएक्शन करवा दें, मैग्नीशियम, और इसको हीट प्रोवाइड करी, यहाँ पर भी हीट प्रोवाइड करी थी तो CH3 ये उड़ गया था, ठीक है, यहाँ पर भी हीट प्रोवाइड करी और THF लिया, अब हमने जो ईथर है वो टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन है हमारे पास, तो हमें GR का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ये बेंजीन रिंग है हमारी, यहाँ पर जो है ये हेलोजन है, ये जो है हेलोजन है और यहाँ पर मैग्नीशियम है, तो कार्बन के साथ मैग्नीशियम अटैच्ड होगा और यहाँ पर
एक्स अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है, ये हमारी बेंजीन रिंग है। और अगर हमें THF की जगह अगर ईथर दे दिया गया, ये कह दिया गया है क्वेश्चन में कि ये ईथर है, तो हम लोग THF लेके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, THF लेके सॉल्व करके ये प्रोडक्ट बना देंगे, ये हमारा GR है, GR का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर हमारा GR का प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर हमें ईथर दिया है तो THF मानकर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे और GR का फॉर्मेशन करवा देंगे, जैसे हमने यहाँ करवाया था, यहाँ पर हमें ईथर दिया है तो हमने THF को मान के GR का फॉर्मेशन करवाया, ठीक है। इस तरह ये हमारा जो डबल बॉन्डेड करेक्टर जो है लिविंग एबिलिटी को डिक्रीज़ कर रहा है। डबल बॉन्ड करेक्टर क्यों है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है और यहाँ पर जो है लॉन पेयर प्रेजेंट है, तो ये रेजोनेंस को शो कर रहा है, रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड करेक्टर शो हो रहा है, जिससे लिविंग एबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही, क्लोरीन निकल नहीं पा रहा बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर GR का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा ईजीली, और GR को ईजीली फॉर्मेशन करने के लिए हमें यहाँ पर डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी, ठीक है। अगर हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर हीट करके एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ ईथर उड़ जाएगा, डाईमिथाइल ईथर है तो वो उड़ जाएगा, और अगर THF है तो वो वॉलेटाइल नेचर का नहीं है, तो रिएक्शन करके वो हमारा GR बना देगा, ठीक है। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कार्बन आयन की स्टेबिलिटी।